कि ये तो सब ठीक है पर ब्याह इतने कर ले तेने बताई नहीं है। भगवान बोले तो भैया आपने कब मेरे को निमंत्रण दिया था, विवाह तो आपका भी हो गया है ना। तो सुदामा जी बोले हम गरीबों का काहे का ब्याह है भैया कृष्ण। हाँ अरे हम तो जैसे तैसे करके एक विवाह करके लाए, बाग में बहुत परेशानी भाई भैया का। कम से कम आप ब्याह तो करके लाए होगे ना, बरात तो गई होगी 5-10-20 बंदों की। हाँ अब मेरी सुन ले, कृष्ण बता रहे हैं अब मेरे ब्याह कैसे भाई पता है। हाँ कि सुबह तो कोई पतो ही नहीं है, ना लगन है ना पत्र है ना चावल है ना कुछ है, और शाम को तो बहुरानी घर में आ गई है। हाँ ऐसे भी भाई सुबह कोई नेगाचार नहीं है कुछ नहीं है और शाम को बहु घर। तो बता मौका ही नहीं मिला है मेरे को तो कोई निमंत्रण पत्र बांटने का। अच्छा ठीक है भैया, बहुत दिन तक रहे सेवा खूब हुई और फिर सुदामा जी के चरण दबाते हैं गोविंद, क्योंकि बड़े हैं ना उम्र में। हाँ सुदामा ब्राह्मण चरण दबा रहे थे और दबाते दबाते वही पोटली जो है चावलों वाली निकाल ली, छुपा रहे थे मन में संकुचित हैं ब्राह्मण, क्योंकि इसके यहाँ ये चावल पशु भी नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना आनंद है सुवर्णमयी द्वारिका में, व्यंजनों की कमी नहीं है, ये कौन खाएगा ऐसा भाव था। परंतु भगवान तो मोहन है ना, मन की जानते हैं, वो पोटली निकाली और निकाल करके भैया आदत अभी गई नहीं है, बहुत पुरानी आदत है ना। हाँ तो लेकर के एक मुट्ठी लिया, एक लोक का अधिकारी बनाया मानो, दूसरी ले ली और तीसरी उठाई तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हो, क्यों कि आपने भिखारी को दीन को धनवान बना दिया और आप स्वयं जो है दीन बनना चाहते हो, इस भिखारी को राजा बना दिया और आप भिखारी होना चाहते हो। भगवान ने देवी रुक्मिणी को भी समझाया, देवी ये शब्द वापस ले लो, अच्छी बात नहीं है, मेरा मित्र है ये भिखारी नहीं है। क्यों आप याद भूल गई हो किस दिन की, यदि ब्राह्मण न होता तो शायद आपका विवाह मेरे साथ नहीं होता। क्यों विप्रही पाती दई तुम्हारी, जाकू कहो भिखारी है, और विप्र दया से आए बनी तू मेरी घर बारी है। गहु ब्राह्मण के हेत लुटाऊं अपनी संपत्ति सारी है, और हे देवी गाय और ब्राह्मण पे तो मैं अपनी पूरी संपत्ति लुटा सकता हूँ। गहु ब्राह्मण के काज लुटाऊं अपनी संपत्ति सारी है, ताहू में ये मित्र मेरो परम हितकारी है, उसमें ये तो मेरा मित्र है, अरे ये तो जो चाहे वो ले सकता है, मेरा सब इसी का है, ब्राह्मण भी है और मित्र भी है। और आपको यदि रानी बनने का सौभाग्य मिला है तो इन्हीं ब्राह्मण देवता की कृपा से मिला है। आप जिनको भी नहीं 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 भगवान मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा ये उद्देश्य है कि चावल आप सारे खा जाओगे बचेंगे नहीं, द्वारिका में पता ही नहीं लगेगा कि मित्र आया है तो प्रसाद आया होगा, इस थोड़े से चावलों में मैं जो है बहुमूल्य व्यंजन मिला करके और पूरी द्वारिका में बंटवा दूंगी, आपका और आपके मित्र का यश बढ़ जाएगा कि मित्र आया है और साथ में प्रसाद लाया है। अच्छा ये बात है, ठीक है ले जाओ। बहुत समय तक सुदामा जी रहे, अरे अब विचार किया अपनी तो खूब रबड़ी मलाई छन रही है, परंतु बेटा परेशान हो रहा होगा, देवी परेशान हो रही होगी, भैया अब हम जाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया चलो विदा ले लो। विदा दोनों मित्र ले रहे हैं, मन में विचार है रानियां आएंगी, बहुत वैभव है, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ब्राह्मण का तो एकदम चकाचक हो जाएगा, ऐसा भाव हृदय में आया। रानियां आती गई और खाली हाथ ही पैर छूती गई, मत्था पंडित जी देख रहे हैं आ तो सब रही है परंतु मत्था कोई नहीं टेक रहा है, बेचार क्या अकेला ही दे देगा, क्या जरूरत है ज्यादा, ये भाव था। अब दोनों भाई गले से मिले और भगवान ने भी कुछ नहीं दिया। जब भगवान ने भी नहीं दिया तो मन में विचार आया और ज्यादा खुशी हो गई, कृष्ण आज तो मेरे आप मीत बन गए हो, जो आपने मुझे कुछ दिया नहीं, शायद मेरा कन्हैया यदि मुझे दे देता और मैं उस वैभव में भूल जाता तो कृष्ण मेरा दूर हो जाता। अरे कृष्ण ने बहुत अच्छा किया जो मुझे दिया नहीं है, आज मेरे मन को ही चुरा लिया गोविंद आपने,
और एक शब्द बहुत अच्छा कहा, कन्हैया इधर आ मेरे पास आ जा। सर पे हाथ रख लिया ब्राह्मण देवता ने, देख सुन तू छोटा है ना, हाँ मैं तेरे को एक बात कहूँ, बोल भैया। का कन्हैया मैंने देखा है ना, मैं जब से आया हूँ तू बहुत काम करता है, दास दासी घर बाहर खेत हाट बाट सब जिम्मेदारियां निभाता है, तू थक जाता होगा रे, है थोड़ा आराम कर लिया करना, तेरे को बहुत काम करना है, तेरे को तो इस देश का कर्णधार बनना है, तो तू इतना काम मत किया कर। मैं तेरे बड़प्पन के नाते, बड़े के नाते से इतनी इतना तो कह सकता हूँ ना, तेरे को डांट सकता हूँ। भगवान सुदामा ब्राह्मण के मुंह की तरफ देखने लगे और आंखों में पानी आ गया। कहा सुदामा भैया, हाँ आज आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके रूप में तो मुझे नंद बाबा दिखाई दे रहे हैं, क्यों? ये शब्द तो कोई अपना ही कह सकता है, अपना ही कहेगा, दूसरा क्यों कहेगा। मैं थक जाता था खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते, तो बाबा आकर के मुझे कहते थे कन्हैया अब तू थक गया होगा रे, बैठ जा, बहुत समय हो गया, अब कल खेल लेना है, तेरे को बहुत थकान हो रही होगी। तो आप में मुझे नंद बाबा दिखाई दे रहे हैं। दोनों भाई गले मिले और सुदामा जी चलते चलने लगे, पर भगवान ने कुछ दिया नहीं है, लौकिक दृष्टि में सब कुछ भिजवा दिया है योग माया के द्वारा, और सुदामा पुरी को तो बहुत सुंदर सजवा दिया द्वारिका की तरह, पर देखने में सुदामा को कुछ नहीं मिला। सुदामा जी अपने गांव में आए, सुदामा पुरी द्वारिका की तरह से सजी है, तो स्वामी जी को देख लिया है ब्राह्मणी ने, सुशीला जी ने कहा लेकर के आओ, सेवकों से कहा जाओ स्वामी जी को ले आओ, सेवक कहा चलो, तो मना करने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ये घर नहीं है, मुझे लगता है कोई यहाँ राजा आया होगा, धनवान सेठ आया होगा, यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, यहाँ तुलसी का गरबा मेरा वृक्ष था, यहाँ मेरा कुआं था, वो सब हटा दिया और झोंपड़ी फेंक दी, अपना महल बनवा दिया है, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा दुख हुआ। कन्हैया मुझे लगता है तेरी यारी में किसी ने सुख पाया नहीं है। अरे काहू ने सुख नहीं पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काहू ने नहीं पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काहू ने नहीं पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काऊ ने नहीं पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काऊ ने नहीं पायो है बिहारी तेरी यारी में। यारी करी तो ते नरसिंह राजा, यारी करी तो ते नरसिंह राजा, यारे दर दर पे भटकायो है बिहारी तेरी यारी में, भाई दर दर पे भटकायो है बिहारी तेरी यारी पे, सुख पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काहू ने ना पायो है बिहारी तेरी यारी में। यारी करी तो ते विप्र सुदामा, यारी करी तो से विप्र सुदामा, यारी करी तो ते विप्र सुदामा, पाए दर दर पे भटकायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काहू ने ना पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काहू ने ना पायो है बिहारी तेरी यारी में, सुख काहू ने ना पायो है बिहारी तेरी यारी में। सुदामा जी के मन में विचार आया, मेरे बच्चे भी गए, मेरी झोपड़ी गई, मेरा सब कुछ चला गया, तेरे मिलने में किसी को आज तक सुख नहीं हुआ। तब तक सुशीला देवी आ गई और उन्होंने आकर के सुदामा को प्रणाम किया, हैं चल हट
अनजान स्त्री है तू। मैं सुदामा ब्राह्मण अपनी सुशीला के अलावा पैर नहीं छूने देता किसी को। स्वामी जी, अरे आवाज भी सुशीला जैसी है तेरी, तो तू कौन है? मैं आपकी सुशीला हूँ। है तू सुशीला है? का बिल्कुल। कहा तो अब तो तू बिजली की तरह से चमक रही है, ये सब कहां से आया बता? कहा ये सब कृष्ण की देन है। हैं, कृष्ण की देन है? तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे कन्हैया तेरी अभी आदत बदली नहीं है। जब तू छोटा था, तेरी बाल्यावस्था थी, तब भी स्त्रियों से ही प्रेम करता था, और अब तो तू बुढ़ा हो गया है, परंतु अभी तेरी आदत गई नहीं है। मैं तेरे दरवाजे तक भटकता रहा, मुझे एक रुपया नहीं मिला, और घर बैठे इस सुशीला का भंडार भर दिया। उसी समय बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा और कृष्ण के बीच में भगवान प्रकट हो गए। कहा क्या कह रहे हो? कहा मैं तेरे को कह रहा हूं ये बात अच्छी नहीं है। भैया एक बात बता, क्या? कि जो तू प्रसाद लेकर के गया था वो किसने दिया? कहा तेरी भाभी ने। कहा भाभी ने प्रसाद दिया? पता है उसने कितना कष्ट उठाया? वो मुझे पता है। आप कुछ लेके गए थे? कहा नहीं, मैं खाली हाथ गया था। तो आप खाली हाथ गए थे तो मैंने आपको खाली हाथ भेज दिया। भाभी ने मुझे प्रसाद दिया, भेंट भेजी, तो मैंने भाभी का भंडार भर दिया। अरे दुनिया में लेने और देने का व्यवहार है। आपने मेरा दर्शन किया, मैंने आपका दर्शन किया। भाभी ने प्रसाद भेजा, मैंने भाभी के लिए प्रसाद भेज दिया। इसमें भाभी के ऊपर दोष आरोपण कर रहे हो। ब्राह्मणी बोली किससे बात हो रही है? कहा तुम्हारे देवर कृष्ण से बात हो रही है। कहा हमारी बात कराओ। कन्हैया अपनी भाभी से बात कर ले। कहा ना 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 ना, ना। भाभी से बात नहीं होगी। क्यों? भाभी ने कभी दर्शन मांगा नहीं है, भाभी ने तो धन मांगा है। तो धन मांगने वाले को तो धन मिलेगा, और दर्शन मांगने वाले को दर्शन मिलेंगे। तो कहा देवी कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे को दर्शन नहीं। सुशीला देवी बोली सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम भुलाए, ए बलिहारी बा विपत को जो प्रभु को नाम रटाए। मुझे मेरी वही विपत्ति ठीक है, बेटा को संपत्ति सौंप दी। कहा कृष्ण इस संपत्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे दर्शन दे दो। सुदामा से कहा आप अपना हाथ इनके सर पे रख लो तो आपको अवश्य दर्शन हो जाएगा। जो पति अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखते हैं उनके जीवन में कभी कोई कमी आती नहीं है। ये भागवत हमको सिखाती है, यदाम देयम प्रतिष्ठम पतिना भयम् भवेयाः। ये व्यवहार हमको भागवत बताती है कि जो भाई अपनी पत्नी के सर पर हमेशा छत्र छाया रखते हैं उसके जीवन में कभी कठिनाई आने वाली नहीं है। उसके आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज भगवान ने हाथ रखते ही दर्शन दिया। बोलिए गोविंद भगवान के, जय जय श्री राधे श्याम। और हाथ में वाला लेकर के जंगल के लिए प्रस्थान कर गए सुशीला और सुदामा जी, क्योंकि बेटा को सब कुछ दे दिया है, कृष्ण दर्शन होना चाहिए। प्रिय सज्जनों, और महाराज परीक्षित की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। श्री सुखदेव जी महाराज को तिलक किया परीक्षित राजा ने, और जो भी भाव से बना प्रेम से सुखदेव जी ने स्वीकार किया, प्रेम ही स्वीकार करेंगे। और सुखदेव जी ने आसन छोड़ा और थोड़ा आगे दिखाई दिए और किधर चले गए पता नहीं लगा। और इसके बाद में प्रेरित तक्षक आया और राजा परीक्षित के शरीर में डंक मार दिया। पंच भौतिक शरीर था, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो चुकी है, और उसमें आग लग गई। चारों तरफ जय जयकार हो गई कि आज तक ऐसा राजा हुआ ना होगा। होगा तब कृष्ण भक्त परीक्षित ही होगा। बोलिए परीक्षित लाल की, सुखदेव भगवान के, गोविंद भगवान की। प्रिय सज्जनों, माताओं और बहन भाई, आज सप्तम दिवस है और अपना आयोजन लगभग जो है संपन्नता की तरफ है। कल यज्ञ होगा, भंडारा भी होगा। तो आज तक मैंने आपको 7 दिन अपनी
इस काली वाणी से जो कुछ श्रवण कराया सुनाया है, ब्राह्मण के नाते से मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, जो ज्यादा बोलता है उससे कोई एक आधा शब्द ऐसा भी निकल जाता होगा जो शायद आपके लिए उपयोगी ना हो, आपको आपको अनुपयोगी भी हो, परंतु कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता है जो आपके लिए वो शब्द अच्छा ना कहा जाए। भाई दफे कोई ऐसा शब्द निकल गया हो किसी माई भाई बहन के प्रति, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और नहीं तो कभी जीवन में पुनः यदि जीवन रहेगा तो फिर राधे राधे करने का अवसर मिलेगा और फिर करेंगे, और नहीं तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, मेरी जय गोपाल राधे राधे तो अवश्य स्वीकार कर लें और मुझे क्षमा भी कर दें कोई मेरे से त्रुटि बनी हो तो, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बोलता रहा हूँ, 7 दिन आपको खूब सुनाया है, तो इसमें इसके द्वारा यदि मेरे से कोई गलती बन गई हो तो मैं आपसे क्षमा की भीख भी मांगता हूँ कि मुझे क्षमा अवश्य कर दें। कोई भी माता बहन भाई बंधु और किसी से किसी के प्रति कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो अच्छा नहीं हो, तो इसलिए क्षमा बड़ों को चाहिए। आप सभी बड़े हैं, महान हैं जो आप इस कथा में आए हैं और भगवान के इस पावन अवसर में आप शामिल हुए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा आपकी हर खुशी दूनी करे, चौगुनी करे, और यहाँ आने वाले हर जीव की मनोकामना भगवान पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ में अब जो है खड़े होकर के और सुदामा जी की भेंट कर ले, गद्दी पर आकर के सुदामा को भेंट करें और अपने चरणों में भगवान से प्रार्थना करें। एक एक भैया आए, राजीव नरेश सभी लोग आकर के और गद्दी को मत्था नवाएं, अंतिम जो है सुदामा और रुक्मिणी की जो है भेंट कर लें, और इसके बाद आरती है, आरती के बाद में फिर प्रसाद जो है बांटा जाएगा, ठीक है? हाँ, तो सब एक एक करके माताएं बहने आ जाएं और फिर भाई लोग भी आएं और सुदामा जी के चरणों में आकर के प्रणाम कर लें। आरती ले लो, आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन बिसाला की, आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन बिसाला की, कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नैना रतनारे, छवि लखे कोटि काम हारे अलग के बलन पलक के चलन, पीत पट हलन लटक सुंदर बन माला की, समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की, समरिया नैन संग सिया सोवा की अखानी, विराजे जगत जनन रानी, प्रेम भक्ति रस की दानी, भरत सौबीर लखन रण धीर, प्रजा के भीर शस्त्रो घन रूप रसाला की, समरिया नैन विशाला आरती रघुवर लाला की, समरिया नैन विशाला, सदा प्रभु दीनन हितकारी अधम के वट सवरी तारी, सोरन को ईश कौशलाधीश रक्ष जगदीश
शंभो हृदय सुख पाला की सवरिया ने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया ने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया ने विशाला की सदा प्रभु दीन नहितकारी अधम के वट सवरी तारी गीत की करम गति न्यारी सोरन को ईश कौशलाधीश रक्ष जगदीश शंभो हृदय सुख पाला की सवरिया ने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया ने वे चरण चापत अंजनी को लाल प्रेम रस बाँटत दीन दयाल परस रही पुष्पों की जयमाल भक्त भय हरण सदा सुख करण हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की सवरिया ने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया ने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया ने विशाला की जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है राधा जी की आरती होने लगी है कान्हा जी की आरती होने लगी है जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है राम आरती होने लगी है आरती की जय हनुमान लला की तो सदलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरे वर कापे रोग दोष जके कटन जापे अंजन पोत्र महाबल राय संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका हजार से आसु दिलाए लंका सो कोटि समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाए लंका हजार असुर संघारे सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मोर चित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण युवारे लक्ष्मण मोर चित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण युवारी ऐठ पाताल तोरे जमकारे अहे रावण की भुजा उकारी पाए भुजाय सुर दल मारे दयने भुजा संत जन तारी सुर नर मुनि जन आरते उतारे जय 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 हनुमान उचारी कंचन धार कपूर लो जाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे जब ध्वंस करे रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सन्नाहति हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्रा पूर्वी साध्याः
शांति देव राजाधिराजाय प्रसह्यसायने नमो वयम वैष्णवाय कुर्महि समी कामान काम कामाय कामेश्वरो वैष्णवो ददात कुबेराय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजाय पद्मपते भयम हरिओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात हरिओ एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात सेवंदे गावकल जंबक बाटलाब जये पुण्या गजाद करवेर रसाद पुष्पै बिल्ल प्रवाह तुलसी दल मंजरे वेस्तम पूजामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धो नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि।